हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश स्टैंडर्ड नर्सरी। आज हम इंग्लिश में पेज नंबर 24, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जग, जे फॉर जार, जे फॉर जैकेट। आज कौन सी डेट हुई? डेट 17 August 2021। ईयर कौन सा डे हुआ? ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। आगे हमने क्या सीखा? ए फॉर एप्पल से लेके आई फॉर आइसक्रीम तक सीखा। तो आज हम क्या सीखेंगे? जे फॉर जॉकर। आप सबने जॉकर देखा है ना, सर्कस में होता है ज़्यादातर, देखा है? यस, गुड। तो हम क्या करेंगे? ट्रेस विथ फिंगर। पहले स्लीपिंग लाइन करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन करके हाफ कर्व बनाएंगे। तो क्या बन गया? जे फॉर जॉकर। देखो यहाँ पे हमको क्या करना है? ट्रेस करना है। तो जे फॉर जॉकर, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जग। कैसे करेंगे? पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन करके हाफ कर्व। तो बन गया जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जार, जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जार। बना? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको? थ्री डॉट्स दिए हैं रेड लाइन के ऊपर दिया है ना। तो हमें 1, 2 and 3, नोटबुक में ब्लू लाइन होती है, तो यहाँ पे हमको जो दो लाइन है, जो टू लाइन दी है हमको, वो ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। तो आपको वो सेकंड वाली जो ग्रीन लाइन है वहाँ तक आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो पहले हम ये तीनों डॉट को ज्वाइन कर देंगे। कर दिया? अब जो बीच वाला डॉट है वहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बना के ऐसे कर्व बना देना है। जे फॉर जग, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जग, जे फॉर जग। दिखता है आपको? देखो ये थ्री डॉट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने। फिर जो बीच वाला डॉट है वहाँ से इसको ऐसे सेकेंड लाइन तक आए तब उसको मुड़ा देना है। जे फॉर जॉकर, जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जॉकर। ये आपको पूरे पेज में अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 25, वो भी क्या है? जे फॉर जार, जे फॉर जैकेट। तो हम क्या करेंगे? पहले ट्रेस करेंगे, स्लीपिंग लाइन ऐसे स्टैंडिंग लाइन करके कर्व कर देना है। बन गया? आप लोग पहले ये ट्रेस के ऊपर प्रैक्टिस करना तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। देखो जे फॉर जार, जे फॉर जार, जे फॉर जार, जे फॉर जार, जे फॉर जैकेट, जे फॉर जार। देखा आप लोगों ने? ये लाइन भी आपको पूरी कंप्लीट करनी है। मैं वापस यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, देखना आप लोग।
थ्री लाइंस को ज्वाइन करके डॉट को ज्वाइन कर दिया आपने, फिर स्टैंडिंग लाइन करके कर्व कर देना है। जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जार, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जग, जे फॉर जार, जे फॉर जार, जे फॉर जैकेट, जे फॉर जार। नेक्स्ट लाइन, रेड लाइन पे जो थ्री डॉट्स दिए हैं उसमें जो बीच वाला डॉट है वहाँ पे आपको पेंसिल रख के स्टैंडिंग लाइन बना के ऐसे मुड़ाना है। तो बन गया जे फॉर जग, जे फॉर जार, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जार। ये हमने क्या सीखा, पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 25। क्या सीखा हमने आज, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जग, जे फॉर जार, जे फॉर जैकेट। ये दोनों पेज आपको अच्छी राइटिंग में शांति से स्लोली स्लोली आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।